हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम माउंट लिट्रा जी स्कूल। इन द लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, टाइप लेटर्स, प्ले गेम्स, सॉल्व सम्स, है ना, एंड मैनी मोर। एंड वी हैव डन कंप्यूटर वर्सेज मैन, मीन्स what is the difference between a computer and a man, right? But today we are going to do working of a computer, means how a computer works. कभी आपने सोचा है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कभी सोचा आपने? नहीं ना बच्चे? चलो let's do today. बच्चे as you can see on my screen, ठीक है, see here. ब्लंट पेंसिल, देन शार्पिंग, देन शार्प पेंसिल। तो बच्चा व्हाट दे आर सेइंग थ्रू दिस एग्जांपल कि कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन इन थ्री स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मींस बच्चे अगर हमने कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो पहले उसको इनपुट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? इनपुट, कुछ डाटा देना पड़ता है, कुछ सॉरी डाटा देना पड़ता है, लाइक नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, उसको कुछ डाटा देना पड़ता है, जैसे लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स। देन कंप्यूटर क्या करते हैं बच्चे? कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, वो क्या करता है? प्रोसेसिंग। क्या करता है वो? प्रोसेसिंग। और हम लोगों को क्या देता है वो? रिजल्ट। रिजल्ट देता है ना हमारे काम का, जो हमें चाहिए होता है, और उस रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट। उस रिजल्ट को बोलते हैं आउटपुट। जैसे कि हमारी, देखो ये ब्लंट पेंसिल है, ये हमारी इनपुट है, ठीक है, हमने इसको शार्पनर में डाल दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोसेसिंग? जब शार्पनर उसको शॉप करेगा, शॉपिंग, ठीक है, ये प्रोसेसिंग होगी। हमारी आउटपुट क्या आएगी? अ शॉर्प्ड पेंसिल होगी ना, थ्री स्टेप। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सी डर्टी क्लोथ्स, ये हमारी इनपुट है, हमने डर्टी क्लोथ्स को क्या किया? मशीन में डाल दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोसेसिंग? जब मशीन उसको धो रही है, साफ कर रही है, क्लीन कर रही है कपड़ों को, दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस होगी। और हमारी आउटपुट क्या होएगी? हमारे क्लीन क्लोथ। तो कंप्यूटर की जो वर्किंग है बच्चे, थ्री स्टेप्स पे डिपेंड करती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट इज द डाटा विच वी आर गिविंग टू कंप्यूटर सिस्टम, लाइक लेटर्स, नंबर्स, पिक्चर्स। प्रोसेस जो कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू करता है, ठीक है, उस डाटा पे रिजल्ट आउटपुट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। और लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट, राइट। चलो हैव अ लुक, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इसको पढ़ गएंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दी स्टेप्स। बच्चे मैं ये रीड कर रही हूँ नीचे वाला, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी। When a teacher asks us a question, जब कोई टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है, we hear with the ears, हम अपने कानों से सुनते हैं, and see with our eyes, हम अपनी आँखों से देखते हैं। जब मैम आपसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो हम देखते हैं आईज से, है ना, और ears से सुनते हैं। तो मतलब कि ये हमारे क्या हो गए? इनपुट यूनिट्स। क्या होगी हमारी? इनपुट यूनिट्स, राइट, जिनसे हम अपने ब्रेन तक बात लेके जा रहे हैं। Our brain stores everything that a teacher says, then it thinks of an answer and orders us to speak. जब टीचर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चा, हम आँखों से देखते हैं अगर बोर्ड पे लिखा है, और कानों से सुनते हैं, वो डाटा हम ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। ब्रेन क्या है अब हमारा? जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, वैसे होता है। ब्रेन क्या करता है? अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है जो क्वेश्चन है, फिर उसके बारे में सोचता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेन क्या हो गया? एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, जो प्रोसेस करता है, सोचता है, और फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है आंसर क्या देना है,
ठीक है, फिर हम अपने क्या करते हैं, माउथ से आंसर बोलते हैं। अब आंसर कहाँ से आ रहा है, हमारे माउथ से, तो वो क्या हमारी होगी आउटपुट यूनिट। ठीक है, ईयर्स एंड आईज आर इनपुट यूनिट, जहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन उस पर काम कर रहा है रिजल्ट देने के लिए, वो होगी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, और माउथ हमें आंसर देने बोल बोल के बताने में हेल्प कर रहा है, तो वो होगी हमारी आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर के 3 वर्किंग स्टेप्स हैं बच्चे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट। व्हाट इज इनपुट बच्चे? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। वी इनपुट डाटा वी यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस। बच्चे हम कंप्यूटर को जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं काम करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, राइट। और कीबोर्ड और माउस की वजह से, ये देख रहे हो ना आप स्क्रीन पे, कीबोर्ड है और माउस है, कीबोर्ड और माउस की वजह हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, नाउ प्रोसेस, वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो हमने डाटा दिया है कंप्यूटर को, उस पर जब कंप्यूटर वर्क करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। द सीपीयू वर्क्स ऑन द डाटा एंड डज ऑल द कैलकुलेशंस। जो कंप्यूटर का ब्रेन है बच्चे, सीपीयू, जैसे हमारा ब्रेन हमारी इनपुट पे काम करता है, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, तो वो सारी डाटा पे काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इज आउटपुट। आउटपुट मीन्स अ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। व्हेन द सीपीयू फिनिशेस प्रोसेसिंग, सीपीयू ने अपनी प्रोसेस फिनिश कर दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। कहाँ पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे। जैसे आप ये देख रहे हो, दिस इज मॉनिटर, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, और प्रिंटर पे, या फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आता है उसको आउटपुट बोलते हैं, और उसको शो करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर। चलो हैव अ लुक नाउ, वन मोर एग्जांपल इज हियर, सी। अभी हम कंप्यूटर को बच्चे आउटपुट दे रहे हैं 2, 5 एंड प्लस का साइन। हम उसको बताना चाहते हैं कि 2 और 5 को क्या कर दो, ऐड। अब प्रोसेस क्या होगी कंप्यूटर का करेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, 7 रिजल्ट आएगा हमारा, उसको हमें शो कर देगा। तो हमने इनपुट क्या दी, 2 और 5 एंड प्लस का साइन। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस 2 प्लस 5, और हमें आउटपुट दे देगा 7। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके बच्चा, आई होप द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन पेज ऑफ एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू आर हैविंग, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स। बच्चे हिंट बॉक्स ये हमें, ये रहा, हमने इसकी हेल्प से फिलअप्स फिल करनी है। ऑलरेडी आई हैव डन, वी विल डिस्कस हेयर ओनली। तो फर्स्ट वन इज, अ मैन कैन टेक हिज ऑन, वट वी हैव रेड बच्चे अर्लियर, कि अ कंप्यूटर कान टेक हिज ऑन डिसीजन एंड अ मैन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन। जो इंसान है वो डिसीजन ले सकता है, और कंप्यूटर अपने डिसीजन नहीं ले सकता। ओके ओके, नाउ मूव टू सेकेंड, द डेटा दैट वी एंटर इन टू कंप्यूटर इज नॉन एज, अभी मैं हमने क्या पढ़ाया, जो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। क्या बोलते हैं उसको हम, इनपुट। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ मूव टू थर्ड फिलअप,
डैश एंड डैश इन अ कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंट इन अ ब्यूटीफुल वे। आप किसको किसको कंप्यूटर में ब्यूटीफुल वे से प्रेजेंट कर सकते हो? टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। टेक्स्ट मतलब जो हम डाटा टाइप करते हैं, और पिक्चर्स आपको पता ही है बच्चे, फोटोज को, ठीक है, उनके बॉर्डर लगा के या फिर उनका कलर चेंज करके, लाइक दिस हम उनको ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मूव टू फोर्थ फिलअप। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी, ऑल यू नो, फास्ट। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। ओके, मूव टू फिफ्थ फिलअप। वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड, अभी मैम ने क्या बताया, वर्किंग ऑन द डाटा इज नॉन एज प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसिंग। ओके, लास्ट फिलअप। अ कंप्यूटर इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बिकॉज बच्चे हम कंप्यूटर पे गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, कार्टून्स भी देख सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं ना, इसलिए कंप्यूटर क्या है? अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? ओके, नाउ मूव टू ट्रू फॉल्स। अ कंप्यूटर हैज अ गुड मेमोरी, टेल मी, अ कंप्यूटर हैज अ गुड मेमोरी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, है ना, हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं ना चीज़ें, स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक हम उनको डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट भी नहीं होंगे, तो कंप्यूटर हैज अ गुड मेमोरी। ओके, नाउ मूव टू सेकेंड ट्रू फॉल्स। व्हाट इज द सेकेंड ट्रू फॉल्स बच्चे? अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन ऑर्डर्स। अरे ये क्या बात हुई भाई, कंप्यूटर वर्क्स ओनली ऑन ऑर्डर्स। अगर आप कंप्यूटर को ऑर्डर नहीं दोगे ना बच्चे, तो वो काम ही नहीं करेगा, इसलिए दिस इज फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन ऑर्डर्स इज फॉल्स। ओके, नाउ मूव टू थर्ड। अ कंप्यूटर कैन डू मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। वो क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है? यस, दिस इज ट्रू, कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। आप गेम खेल सकते हो, साथ में आप गाने भी सुन सकते हो। अगर मान लो आप कुछ टाइप कर रहे हो, है ना, तो आप साथ में गाने लगा लो, कर सकते हो ना ऐसे। तो अ कंप्यूटर कैन डू मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। ओके, नाउ मूव टू फोर्थ ट्रू फॉल्स। अ कंप्यूटर फॉरगेट्स एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। अरे नहीं, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे डाटा जो हमने स्टोर किया है, कंप्यूटर उसको कभी नहीं भूलता, वो हमेशा कंप्यूटर में सेव रहता है। तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ कंप्यूटर फॉरगेट्स एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी इज फॉल्स। ओके, मूव टू फिफ्थ फिलअप, सॉरी ट्रू फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स। अरे वेरी इजी, अभी बताया ना मैम ने, इट्स ट्रू, यस कंप्यूटर कैन सॉल्व द सम्स इजीली एंड क्विकली, सेकंड्स में कर देता कंप्यूटर सारे सम। ओके, लास्ट ट्रू फॉल्स। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल। अरे नहीं, कंप्यूटर डजंट वर्क ऑन फ्यूल बच्चे, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे, राइट? ओके, नाउ मूव अहेड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द राइट आंसर। ओके, रीड द फर्स्ट वन। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशन कहाँ करते हैं? अपने ब्रेन में ना। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सीपीयू। तो हमने किस पे टिक करना है? सीपीयू पे, राइट? ओके, नाउ मूव टू सेकेंड। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर नॉन एज, अभी मैम ने क्या बताया, जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। अरे नहीं, वो तो रिजल्ट होता है, प्रोसेस। नहीं, वो थोड़ी ना होता है, इनपुट। यस, हम कंप्यूटर को जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट, राइट? ओके, नाउ रीड थर्ड वन।
विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा, कहाँ होती है प्रोसेसिंग, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ होती है प्रोसेसिंग, ब्रेन में ना, तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, सीपीयू, तो प्रोसेसिंग कहाँ होती है डाटा पे, सीपीयू में, राइट, ओके, नाउ रीड फोर्थ वन, द रिजल्ट विच अ कंप्यूटर गिव्स इज कॉल्ड, अरे जो रिजल्ट कंप्यूटर हमें देते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैम ने, आउटपुट, क्या बोलते हैं उसे, आउटपुट, यस, ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स, डी पार्ट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द थ्री स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स, अभी मैम ने पेंसिल वाली आपको एक एग्जांपल बताई थी, एक डर्टी क्लोथ्स वाली बताई थी, तो उसमें पहले हम क्या देते हैं, इनपुट, फिर क्या करते हैं, प्रोसेस, फिर आते हैं आउटपुट, जैसे इनपुट हो गए हमारे डर्टी क्लोथ्स, प्रोसेस होगी वॉशिंग, जो वॉशिंग मशीन करती है, आउटपुट हो गए हमारे क्लीन क्लोथ्स, तो ये होते हैं बेसिक थ्री, देखो डर्टी क्लोथ्स, ये डर्टी क्लोथ्स, देन वॉशिंग, देन क्लीन क्लोथ्स, सो थ्री बच्चे बेसिक स्टेप्स हैं ये वाले, ठीक है, जिन पे कंप्यूटर वर्क करते हैं, ओके ओके, नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट, डाटा पे कौन सा पार्ट वर्क करता है कंप्यूटर का, सीपीयू, बिकॉज सीपीयू इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यस, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, व्हाट डू वी कॉल द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, अरे वेरी इजी, जब हमें प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट, राइट, ओके, मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी टू टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स, बच्चे कंप्यूटर हमें बहुत तरह के एंटरटेनमेंट देता है, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन वॉच कार्टून्स, वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, राइट, तो हमने कोई भी टू लिखने हैं, जैसे मैम ने लिखे हैं वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन वॉच कार्टून्स, तो आप कोई भी दो एंटरटेनमेंट लिख सकते हो, ओके ओके, मूव टू लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर और मैन के बीच में डिफरेंस बताना है, तो क्या डिफरेंस है, मैम ने वन डिफरेंस लिखा है, अ कंप्यूटर डजंट हैव एनी फीलिंग्स बट अ मैन हैज फीलिंग्स, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना वो कभी सैड होता है, ना वो कभी खुश होता है, ना कभी गुस्सा होता है, ना वो कभी टायर्ड होता है, बट एक मैन है, जैसे हम लोग हैं, हम हमारे अंदर फीलिंग्स है ना, हम थकते भी हैं, हम खुश भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स है ना, बट कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ओके ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस इज योर एक्टिविटी सेक्शन बच्चे, यहाँ पे आपके टू एक्टिविटीज आर गिवन, तो आपने फर्स्ट एक्टिविटीज, द बॉक्सेस गिवन बिलो आर बेस्ट सूटेड टू आइदर मैन और टू कंप्यूटर, ड्रॉ एन एरो टू डिस्प्ले द राइट कॉम्बिनेशन, बच्चे यहाँ पे इन्होंने कुछ ये वाली ना, ये वाली, ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, हमने देखने वो कंप्यूटर से रिलेटेड है या मैन से रिलेटेड है, उससे हमने इसको लिंक कर देना है, तो फर्स्ट वन इज कैन टेक डिसीजंस, हु कैन टेक डिसीजंस, कंप्यूटर और मैन, मैन ना, तो हमने इसको मैन से मैच कर देना है, ओके, नाउ सेकेंड वन, कैन वर्क वेरी फास्ट, हु कैन वर्क वेरी फास्ट, मैन और कंप्यूटर, कंप्यूटर ना, तो इसको कंप्यूटर से मैच कर देना है, ओके, थर्ड वन, डज नॉट नीड ऑर्डर्स, किसको ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, बच्चे कंप्यूटर हमारे ऑर्डर्स पे चलते हैं ना, तो हम लोगों को, इंसानों को ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होती, तो मैन से इसको मैच कर देना है, ओके, फोर्थ वन, डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, अरे हम लोग तो बहुत गलतियां करते हैं भाई, इसलिए ये तो कंप्यूटर के लिए ही ठीक है, कंप्यूटर डजंट मेक एनी मिस्टेक, ओके, डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स, मैम ने अभी बताया ना कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती, तो दिस ऑल्सो गोज टू कंप्यूटर,
ओके लास्ट वन, नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग दैट इट स्टोर्ड इन इट. ये कभी नहीं भूलता जो इसमें स्टोर कर दिया हो. अरे हम लोग तो कभी भी कुछ भी भूल जाते हैं, 5 मिनट पहले की बात भूल जाते हैं. तो दिस गोज टू कंप्यूटर सिस्टम. ओके लास्ट एक्टिविटी फॉर टुडे बच्चे, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड हेल्प इन कंप्लीटिंग द प्रोसेस फ्लो. लेबल द बॉक्सेस विद आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट. बच्चे अपने इनपुट के लिए आई लिखना है, प्रोसेसिंग के लिए पी लिखना है और आउटपुट के लिए ओ लिखना है. जैसे कि देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें है मिल्क है, मिल्क है, बॉर्नविटा है, शुगर है, पैन है. तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ना तो ये प्रोसेसिंग में आती हैं तो ना ये आउटपुट में आती हैं. तो मैम ने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई मीन्स इनपुट. अभी ये देखो गैस बर्नर, ये क्या है, गैस पे हम कोई चीज़ रखते हैं, बनती है ना, वो बनती है ना, तो वो क्या चीज़ होती है, प्रोसेसिंग. अभी हमें लास्ट में क्या मिला तैयार होके, बॉर्नविटा मिल्क. तो ये क्या होगी, आउटपुट. क्या होगी ये, आउटपुट. ओके चलो मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोथ, कपड़ा. कपड़े से तो कुछ भी बन सकता है, तो कपड़ा क्या होगा हमारा, इनपुट. नेक्स्ट इज प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, स्टिचिंग. देखो आंटी कपड़े सिल रही है ना, तो ये क्या होगी, प्रोसेसिंग, चल रहा है, बन रहा है कुछ. लास्ट में क्या बना, फ्रॉक. तो ये क्या होगी हमारी, आउटपुट. ये क्या होगी हमारी, आउटपुट. ओके नाउ मूव टू लास्ट एग्जाम्पल. सी जूसर, जूसर क्या है हमारी बच्चे, प्रोसेसिंग यूनिट है. इसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं, बनाते हैं. फ्रूट्स क्या है हमारे, इनपुट यूनिट है. फ्रूट्स देंगे जूसर में, डालेंगे, प्रोसेसिंग करेगा जूसर, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जूस. तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, जूस. तो ये होगी हमारी आउटपुट, राइट. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है बच्चे, कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेन 3 स्टेप्स. कौन कौन से, कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, राइट. कौन कौन से 3, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. बच्चा आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. This was your computer teacher from Mount Literacy School. Thank you.